यदि गाइस आप BSNL का सिम यूज करते हो, BSNL के सिम में ई नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जो कि गाइस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख लो गाइस, यहाँ पर मैं BSNL का सिम यूज कर रहा हूँ, मेरे BSNL के सिम में देख लो गाइस यहाँ पर ई नेटवर्क यानी कि एज नेटवर्क यहाँ पर शो कर रहा है। देन इस वीडियो में गाइस आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर आप अपने BSNL के सिम की एज नेटवर्क को यार आप 5G और 4G में कैसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। देन 100% जेन्युइन ट्रिक यार मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे गाइस यहाँ पर आप अपने BSNL के सिम की ई नेटवर्क प्रॉब्लम का गाइस सोल्यूशन गाइस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है देखो मैं आपको बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर आपको सेट जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको जेन्युइन ट्रिक यहाँ पर देता रहता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड BSNL की ई नेटवर्क प्रॉब्लम को गाइस सोल्व करते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या करना है, सबसे पहले तो देखो क्या करो, आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे ही मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क का। मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने BSNL के सिम पर क्लिक करना है। नीचे का देखो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, यहाँ पर देख लो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर देखो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू पिन सेट कर लेना है, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली का देखो नेम पे ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको BSNL और 4G यहाँ पर आपको कर देना है कैपिटल में। उसके बाद में एपन पर क्लिक करना है और BSNL नेट गाइस यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद में गाइस जैसे ही यहाँ पर आप BSNL नेट गाइस यहाँ पर आप कर देंगे, देखो यार मैं इसको कर देता हूँ BSNL नेट। तो BSNL नेट करने के बाद में यहाँ पर आपको एपन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये एंटर करने के बाद में नीचे गाइस आपको आ जाना है। सर्वर पर क्लिक करना है, 5G यहाँ पर आपको सर्वर के अंदर यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद में जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एपन टाइप। तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट और SUPL यहाँ पर आपको एंटर करना है, बिना स्पेस के वही कोमा यहाँ पर आपको लगा देना है। देख लो SUPL मैंने एंटर कर दिया है डिफ़ॉल्ट और SUPL। एंड उसके बाद में देखो APN प्रोटोकॉल और APN प्रोटोकॉल में गाइस IP4 और IPv6 लगा करके रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने एंटर करके रखा हुआ है। उसके बाद में नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको बैरियर पे नोट सर्टिफाइड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक करके सेव कर लेना है और यहाँ पर आपको BSNL 4G की जो APN सेटिंग है इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको प्रीफेर नेट टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 5G 4G को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा नेटवर्क यहाँ पर 4G में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो सिंपली देख लो मेरा नेटवर्क 4G में कन्वर्ट हो चुका है। और यदि कहते देखो आपका नेटवर्क अभी भी 4G में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो एयरप्लेन मोड को लगाओ, उसके बाद में एयरप्लेन मोड को हटा देना है। उसके बाद में 4G प्लस में आपका नेटवर्क कन्वर्ट हो जाएगा इजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।